गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहांस। फ्रेंड्स, टुडे इज द 8th डे ऑफ दिस 21 डेज चैलेंज। वाओ, और हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है आज 8वां दिन। सो आज हम बात करेंगे कुछ क्रिएटिविटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं पावर पॉइंट, बिकॉज जब भी क्रिएटिविटी की बात आती है, पावर पॉइंट इज वन ऑफ द टॉप एप्लीकेशन विच इज यूज फॉर बिजनेस प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट में जब हम लोग काम करते हैं, सो नॉर्मली फोटोज का काफी यूज होता है, बीट भी टीम स्ट्रक्चर, बीट भी आपके कॉर्पोरेट कोई इवेंट, तो हर जगह फोटो को हम यूज करते हैं। अब फोटो को जब हम यूज करते हैं तो उसको अरेंज करना या उसको एक स्लाइड में सजाना काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा दिखना चाहिए, ऑसम दिखना चाहिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जी हाँ दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। सो AI से कैसे हम पावर पॉइंट के इमेजेस को सजा सकते हैं। देयर इज अ वंडरफुल ऑप्शन इन पावर पॉइंट जिसको बोलते हैं डिजाइन आइडियाज, एंड विच इज द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पावर पॉइंट। लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपने पर्सनल फोटोज का कोलैज क्रिएट करके आप एज ए इमेज सेव कर सकते हो। क्योंकि हम लोग जब कोलैज की बात करते हैं तो काफी सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, बीट भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बीट आपके मोबाइल एप्स, बट पावर पॉइंट को यूज करके डायरेक्टली यू कैन क्रिएट ए कोलैज एंड वंडरफुल कोलैज, और उसको इमेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए सिस्टम पे चलते हैं और यूज करते हैं आज अपने क्रिएटिव माइंड को। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। सो एज एन एग्जांपल, यहां पर मैंने कुछ टीम के फोटोज लिया हुआ है, दिस आर जस्ट सैंपल फोटोज, और इसे मुझे प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड क्रिएट करना है और इन फोटोज को मुझे उस स्लाइड में इंक्लूड करना है। अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा होगा, सो दीज आर इन डिफरेंट साइज, ये आपके पोर्ट्रेट मोड में है, दिस इज इन लैंडस्केप, ये भी आपके पोर्ट्रेट में बट स्क्वायर फॉर्म में है। एज आई हैव रिसीव्ड दीज इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो साइज भी अलग हो गया। अब इसे जब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डालूंगा तो काफी अजीब सा लगेगा, बिकॉज दीज आर इन डिफरेंट साइजेस, सो मुझे मैनुअली रीअरेंज करना पड़ेगा टू गेट द कंप्लीट पिक्चर, बट वो भी क्रिएटिविटी किस लेवल पे जाएगा, आई एम नॉट श्योर। लेट अस सी, अब देखते हैं पावर पॉइंट का एक AI एनेबल्ड फीचर जिसको यूज करके आई कैन क्रिएट ए मैजिक, क्रिएट ए वंडर्स। लेट अस सी, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट ऑल द इमेजेस। मैं एक इमेजेस को अभी छोड़ के रखता हूं, इसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा। Now I am going to copy, Control C, इन फोटोज को मैंने कॉपी कर दिया है, एंड लेट अस गो टू पावर पॉइंट। नाउ दिस इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच इज अ ब्लैंक वन, यहां पर अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, दिस इज जस्ट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वन। वट आई विल डू, आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्लाइड, क्योंकि फोटोज को मैं डालूंगा तो यहां पर टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। तो राइट क्लिक, लेआउट, ब्लैंक, सो कंट्रोल वी, और जैसे मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट किया इमेजेस को, तो देखा अपने, वाओ, यहां पर राइट साइड में आई एम गेटिंग दिस डिजाइन आइडियाज, एंड यस, दिस इज द अमेजिंग फीचर, दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड फीचर जो आपके डिजाइन को क्रिएट कर देता है, आपको ऑप्शंस दिखाता है, एंड यू कैन यूज एनी ऑफ दिस ऑप्शंस। सो यहां से आप कोई भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस सी, वाओ, देखा आपने किस तरह से अरेंजमेंट कर दिया। अगर इसी को मैं मैनुअली करता तो काफी टाइम लग जाता और इस तरह से क्रिएट नहीं हो पाता। वाओ, सो देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फॉर्मैटिंग दैट यू कैन यूज, देख रहे हो आप, स्टाइलिश फॉर्मैट में भी आ रहा है, एंड यू कैन गो फॉर सो मोर डिजाइन आइडियाज। अब यहां पर अगर आप जाओगे तो और आइडियाज आपको दिखा रहा है, एंड यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, यू आर डन, परफेक्ट। नाउ अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि वी हैव सिलेक्टेड 5 इमेजेस, अभी लास्ट इमेजेस एक सिलेक्ट करना है, लेट अस सी कि वो इस डिजाइन में किस तरह से इंटीग्रेट होता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू दैट फोल्डर एंड लेट अस सिलेक्ट दिस इमेज, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, कंट्रोल सी, अब मैं जाता हूं अपने प्रेजेंटेशन में। नाउ लेट अस कंट्रोल वी, जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये देखा आपने, छोटा सा इमेज आ गया, बट इन द राइट साइड दिस इमेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वाओ, सो यू कैन चूज एनी ऑफ देम, आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से इट्स गेटिंग, वाओ, दिस इज ऑसम। लेट अस प्ले द स्लाइड शो, देखा आपने कितने अच्छे से, कितने क्रिएटिव वे में इट्स गोइंग टू क्रिएट। अब ये गायब हो गया राइट साइड से, व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू डिजाइन एंड वी कैन सिलेक्ट दिस डिजाइन आइडियाज, परफेक्ट। तो ये तो था एक प्रोफेशनल फोटोज का।
अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वेरी क्रिएटिव आइडियाज टू क्रिएट ए कोलैज. हालांकि ये कोलैज ही है बट मैं कुछ पर्सनल फोटोज को दिखाता हूं कि कैसे हम कोलैज क्रिएट करके वी कैन गेट द आउटपुट एज एन इमेज. आई एम गोइंग टू शो यू सम पर्सनल इमेजेस. लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट विद दैट क्रिएटिविटी. नाउ दीज आर सम फोटोज जो मैंने अलग अलग साइजेस के लिए हुए. लेट अस सी इसको मैं इंक्लूड करता हूं और फाइनल आउटपुट मैं एज ए इमेज करना चाहता हूं. लेट अस क्रिएट ए कोलैज फर्स्ट. सो आई सिलेक्ट कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेता हूं मैं और मैं पावर पॉइंट में चले जाता हूं. नाउ दिस इज अगेन ए न्यू प्रेजेंटेशन विच इज प्रेजेंटेशन टू. राइट क्लिक लेआउट ब्लैंक्स एंड लेट अस कंट्रोल वी. अब मैंने जैसे इसे पेस्ट किया है सो आई विल बी अगेन गेटिंग दैट डिजाइन आइडियाज. वाओ देखा आपने यहां पर अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहा. लेट अस सिलेक्ट एनी ऑफ देम. वाओ सी मोर डिजाइन आइडियाज. लेट अस सी. तो यहां पर मैं कोई भी डिजाइन आइडिया सिलेक्ट कर सकता हूं. सो एज एन एग्जांपल लेट अस सिलेक्ट एनी ऑफ देम. सो दिस कुड बी वन ऑफ द फोटो जिसको मुझे आउटपुट इनका इमेज में कन्वर्ट करना है. लेट अस रन ए स्लाइड सो फर्स्ट एंड लेट अस चेक द फोटो. वाओ दिस इज ब्यूटीफुल. अब क्या करता हूं मैं. सो आई विल गो विथ F12 फॉर सेव एज. जैसे मैं F12 में जाऊंगा सो आई कैन सेव दिस. यहां पर आप देख रहे हो सेव एज टाइप. आई विल गो विथ दिस एज ए PNG इमेज. PNG इमेज थोड़ा सा हाई क्वालिटी के इमेज होते हैं. PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट. यस आई सिलेक्ट दिस वन और मैं इसे कर देता हूं लेट्स से माय पिक्चर. कुछ नाम से सेव कर देता हूं एंड लेट अस सेव. इट्स आस्किंग विच स्लाइड्स डू यू वांटेड टू एक्सपोर्ट. ऑल स्लाइड और दिस वन. सो जस्ट दिस वन. लेट अस सी कि ये इमेज क्या क्रिएट हुआ है. लेट अस गो टू दैट फोल्डर. नाउ दिस इज द पिक्चर दैट आई हैव क्रिएटेड. देखा आपने ये कोलैज में हो गया. एंड टू क्रिएट ए कोलैज हम लोग काफी एप्स यूज करते हैं. सो यू कैन सिंपली यूज पावर पॉइंट टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल कोलैज. लेट अस मेक इट एज फुल स्क्रीन. सो दिस इज द फुल स्क्रीन फोटो. देखा आपने और इसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो बिकॉज द फाइनल आउटपुट इज एन इमेज राइट नाउ. सो फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड दिस ट्रिक एंड आई एम श्योर यू विल इंप्लीमेंट दिस ट्रिक इन योर ऑफिसेज एज वेल एज योर पर्सनल प्रेजेंटेशन पर्सनल फोटोज. And very important, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. एंड फ्रेंड्स प्लीज स्टे कनेक्टेड बिकॉज टुमारो आई एम कमिंग विद न्यू ट्यूटोरियल न्यू एक्साइटमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू लर्निंग. टिल देन टेक केयर बाय एंड हैव अ ग्रेट डे.